तो भाई क्या हालचाल है, एक और नई वीडियो, नए एप्लीकेशन, नए डीमैट के साथ में मैं लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि पर रेफर 600 रुपीस की आपकी अर्निंग कैसे होने वाली है। अगर आप डीमैट अकाउंट रेफर प्रोग्राम के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई डीमैट अकाउंट रेफर करके एक अच्छे अमाउंट में हम अर्निंग कर पाएं, तो भाई ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट को रेफर करके कैसे पर रेफर 600 रुपीस का जो अमाउंट है वो आप अर्न करने वाले हो। अब यहाँ पर जो अमाउंट है काफी ह्यूज अमाउंट ये ऑफर कर रहा है डीमैट अकाउंट आपको। अभी बात करेंगे कि कैसे ये आपको डीमैट अकाउंट ऑफर कर रहा है, क्या इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस, कैसे आप उन्हें फुलफिल कर पाओगे और एट द एंड किस तरह से आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सो कंप्लीट जानकारी भाई आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट में डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे रेफर करना है, क्या कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना है और किस तरह से आपका पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पेमेंट प्रूफ भी मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे मुझे यहां पर कितने अमाउंट में अर्निंग हुई है। तो भाई वीडियो में बढ़ते आगे और बात करते हैं कि किस तरह से आपको रेफर करना और कैसे एट द एंड आपका जो 600 रुपीस पर रेफर का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलने वाला है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो तो कंप्लीट देखते हो लेकिन ना ही तो वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो यार बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि भाई इसी तरह की वैल्यूएबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी, जहां से आप रेगुलर बेसिस पे फ्यूचर में भी एक अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर पाओगे। सो गाइस यहां से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी चलते हैं पीछे स्क्रीन पर, वहां पर मिल जाकर आपको दिखाता हूं कि कैसे यहां पर आपको रेफर करना है और एट द एंड कैसे आपका पैसा आपको मिलेगा और कुछ पेमेंट प्रूफ भी जो कि मैंने यहां से कुछ अमाउंट में अर्निंग की है वो भी मैं आपको यहां पर शो करने वाला हूं। सो पीसी स्क्रीन आपके सामने और यहां पर आप देख सकते हो मैंने गूगल पे सर्च किया मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट रेफरल प्रोग्राम, तो यहां पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट लिंक है उस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर अगर आप देखना चाहते हो कि आप अगर गूगल पर सर्च करके जो न्यू अपडेटेड रेफरल प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या अपडेट है क्या नहीं है, तो यहां पर अगर आप आते हो, ये हालांकि मोतीलाल ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट ही है लेकिन जो न्यू अपडेटेड रेफरल प्रोग्राम का उसके बारे में यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे ₹500 अंडर दिस रेफरल प्रोग्राम, तो ये जो अपडेट है ₹100 अगर आप डिपॉजिट करवाते हो तो यहां पर ₹300 आपको एडिशनल मिलते हैं, तो ये जो रेफरल प्रोग्राम है ये पुराना रेफरल प्रोग्राम है, यहां पर अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो आप जो रेफरल प्रोग्राम का अपडेट है उसे नहीं देख पाओगे कि क्या अपडेट है और क्या चल रहा है। अगर आपका खुद का अकाउंट है मोतीलाल ओसवाल में तो यहां पर आप क्या करो, लॉगिन टू ट्रेड पे आप क्लिक करो और यहां पर आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो आप सबमिट करो और यहां पर आप सबमिट करोगे तो आपको जो न्यू अपडेटेड रेफरल प्रोग्राम है वो रेफरल के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी जाकर लॉगिन कर सकते हो, वहां पर भी आप रेफरल के टैब में जाओगे तो वहां पर आपको जो न्यू अपडेटेड रेफरल प्रोग्राम है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है मोतीलाल ओसवाल में तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो पुराना रेफरल प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको न्यू अपडेटेड रेफरल प्रोग्राम चाहिए तो दो ही तरीके हैं उसके, या तो आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक का यूज करके आप यहां पे बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप लॉगिन कर लोगे तो यहां पर आप रेफरल के सेक्शन में आओगे तो कुछ इस तरह का आपको जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखोगे मेरे जो पेमेंट प्रूफ है जो अर्निंग है, तो यहां पर सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो 200 200 200 ये जो पेमेंट है मुझे यहां पर ये रिसीव हुआ है और साइड में आप अकाउंट स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो भी देख सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे तो आपकी जो रेफरल लिंक है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस लिंक का आपको यूज करना होता है किसी को भी रेफर करने के लिए या फिर इस रेफरल कोड का भी आप यूज कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो भाई काफी ज्यादा आसान है टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी बड़ी आसानी से फुलफिल कर सकता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैं पेज को जूम कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से इसे देख पाओ कि यहां पर क्या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि यहां पर आपका जो रेफरल लिंक है या फिर रेफरल कोड है वो आपके फ्रेंड के साथ में आपको शेयर करना होता है। इसके बाद में आपका फ्रेंड यहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करता है आपकी रेफरल लिंक से या फिर रेफरल कोड से, तो वो आपके रेफरल के अंडर मैप हो जाता है और उसके बाद में जो यहां पर कंडीशन है वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट कंडीशन यहां पर यह आती है कि आपके फ्रेंड को यहां पर मिनिमम 1000 रुपीज से पे इन करना है, फंड ऐड करना है। जैसे ही आपका फ्रेंड यहां पर 1000 रुपीज पे इन कर देता है, फंड ऐड कर देता है, तो आपको यहां पर 200 रुपीज का जो अमाउंट है, ये जो रिवॉर्ड है, ये आपको मिल जाता है जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अगेन इसके बाद में जब आपका फ्रेंड यहां पर फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट कर देता है, तो फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट होने पर यहां पर आपको 200 रुपीज एडिशनल मिल जाते हैं। टोटल आपका यहां पर 200 और 400 का जो पेमेंट है वो अभी तक हो चुका है। इसके बाद में अगर आपका फ्रेंड यहां पर फर्स्ट ट्रेड करता है एफएनओ में, तो यहां पर आपको 200 रुपीज एडिशनल का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। अगर आपको डिटेल्स शो नहीं हो रही है तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लैंडस्केप मोड में करो और बाद में आप उसे जूम करके देख सकते हो। अब यहां पर देखिए टोटल 200 200 प्लस 200, टोटल 600 रुपीज यहां पर आप अर्न कर सकते हो। कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर सबसे पहले आपके फ्रेंड का आपको अकाउंट क्रिएट कर देना है। जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन में आपको लॉगिन कर लेना है, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में 1000 रुपीज डिपॉजिट अगर आप करवाते हो तो यहां पर आपको 200 रुपीज का जो पेमेंट है ये मिल जाता है। इसके बाद में उस 1000 रुपीज से जो कि आपने डिपॉजिट करवाया उससे आप
फर्स्ट ट्रेड करवाते हो वो कितने भी अमाउंट से हो सकता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या कम्प्लीट 1000 से भी आप यहाँ पे ट्रेड करवा सकते हो, वो टोटली अप टू यू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर 200 रुपीज़ ये आपको एडिशनल मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे हाँ एक ट्रेड कम्प्लीट करवा देते हो। इसके बाद में यहाँ पर ये जो सेगमेंट है इसे अगर आप एक्टिवेट करवाते हो, यानी कि एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट अगर आप एक्टिवेट करवाते हो, तो यहाँ पर एडिशनल 200 का जो अमाउंट है वो आपको मिलता है अगर आप इसमें ट्रेड करवा देते हो। तो अब ये सेगमेंट कैसे एक्टिवेट होगा इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करोगे तो वहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आपको कौन से सेगमेंट एक्टिवेट करने हैं उसका एक पेज आएगा, वहां पर इक्विटी लिखा होगा, एमएफ लिखा होगा, म्यूचुअल फंड्स, और इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स यहां पे लिखा होगा। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, देखिए इक्विटी और एमएफ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट, तो वहां पर आपसे आपका जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट वो मांगा जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड कर देना है 6 मंथ का। इसके बाद में जैसे आप अपलोड करोगे तो जैसे सेम आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है वैसे ही सेम होगा, बस यहां पर आप इक्विटी और एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड के अलावा एक नया सेगमेंट आप एक्टिवेट कर रहे हो जो कि एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। इसका कोई एडिशनल आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई एडिशनल यहां पे आपको पेमेंट नहीं करना होता, बिल्कुल फ्री आपका अकाउंट ओपन होता है, बिल्कुल फ्री है जो आप यहां पे एफएनओ है इसे भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और जैसे आपका कंप्लीट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसको लॉग इन करने के बाद में 1000 रुपीज आपको फंड ऐड करना है, इसके बाद में एक सिंगल ट्रेड कर देना है आपको इक्विटी में, इसके बाद में एक सिंगल ट्रेड कर देना आपको एफएनओ में, और ये काम जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो पर रेफर 600 रुपीज का आपको अमाउंट मिल जाता है, और ये जो अमाउंट है आपके लेजर में आपको मिलेगा जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे। इसके अलावा रही बात कि आपका जो पेमेंट है वो कब होगा, कितनी तारीख को होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पेज है रेफरल का, यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी अदर लिंक नहीं है जहाँ पर कि आप ट्रैक कर पाओगे या फिर देख पाओगे कि आपका जो पेमेंट है वो कब होगा और कितनी तारीख को होगा। लेकिन अगर पुराने रेफरल प्रोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो पुराने रेफरल प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पर जो पेमेंट है मोतीलाल ओसवाल को 10 से लेकर 14-15 तारीख तक आपके जो है लेजर में हो जाता है, वहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में उसे विड्रॉ कर सकते हो। तो हो सकता है कि पिछले रेफरल प्रोग्राम की तरह इस रेफरल प्रोग्राम का भी पेमेंट आपको 10 तारीख या 12 तारीख को आपके लेजर में मिल जाएगा, वहां से आप इस अमाउंट को भी आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप सिंपली कमेंट कर सकते हो, कमेंट आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना, मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।